Hey, what's up everyone? Just a little vlog. Welcome back to my channel, Secret Gamer. And guys, आज I am back with my first video of Minecraft tips and tricks. तो guys, आज हम लोग ऐसे ही कुछ amazing Minecraft tips and tricks मैं आप लोग को बताने जाऊंगा. तो अगर आप लोग को Minecraft के tips and tricks जानने हैं, अब भी क्या भी उस वीडियो पे लाइक मार दीजिए. इस वीडियो पे अगर आ गए थोड़े मोड़े लाइक्स आ ही गए तो मैं इसकी बहुत सारी और वीडियोस बनाऊंगा. तो फटाफट से आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए. तो गाइस पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है कि देखिए, जैसे कि आप लोग सभी लोग वो अपना खाना वगैरह स्मेल्ट करके और वगैरह पे जलाते हैं, तो आप लोग को एक बहुत झंझट आता है कि हमारे पास कोल खत्म हो जाता है, कोल माइन करने जाओ, ये करो वो करो. तो गाइस सबसे अच्छा है मैं आप लोग को दिखाता हूँ. जैसे कि देखिए फर्नेस में हम लोग अपना थोड़ा सा खाना डालते हैं एंड हम लोग कोल डालते हैं. कितना टाइम ले रहा है और ये एक कोल एक ही चीज को बनाएगा. 14 से वो 13 हो गया एंड वो 8 से. तो गाइस इससे अच्छा है. और देखिए जैसे कि अब स्मोकर है, उसमें हम लोग डाल देते हैं एंड ये डाल देते हैं. स्मोकर थोड़ा जल्दी कर देगा इतना मुझे पता है. ब्लास्ट करने से हम लोग डालते हैं तो इधर डालेंगे और डायमंड और जल्दी आ जाएंगे. तो गाइस इन सब से बहुत अच्छी एक चीज होती है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ. आप लोग सच इसमें ना कोई भी लकड़ी का बना हुआ सामान डाल सकते हैं. जैसे कि फैंस अगर आपके पास कोई खाली बच गई है वो फ्यूल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये देखिए काम कर जाएगा. तो गाइस आप लोग कोई भी लकड़ी का भी सामान फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, पर मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ वो आप लोग को जरूर ट्राई करना चाहिए. उसके लिए आपको चाहिए बस एक लावा पत्थर. बस आप लोग देखिए फर्नेस है ये हमारा. तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही होगा एक कोल 8 आइटम को पिघला सकता है, तो वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया. अब देखिए मैं यहाँ पे लावा फ्यूल यूज करूंगा एंड खाना कहाँ डाल दूंगा, अभी भी पक रहा है. बाकी ये खाना खा गया. हाँ तो ये देखिए यहाँ पे लावा, ये लावा खत्म गया उसके अंदर. अब ये लावा लगभग 100 आइटम जब तक स्मेल्ट नहीं करेगा तब तक ये रुकेगा. मैं आपको सभी में दिखा देता हूँ. यहाँ पे लावा डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे लावा डाल देते हैं और इसमें हम लोग डालते हैं थोड़ा सा लगभग. एक बार अगर आप लोगों ने डाल दिया मींस ये लगभग 150-200 आइटम डाल सकते हैं. तो ये हमारा पहला है इस हैक के लिए एक लगभग. तो गाइस हमारा अगला हैक जो है वो भी काफी अच्छा मींस यूजफुल है. तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. ये थोड़ा छोटा ही हैक है पर यूजफुल है. तो गाइस देखिए आप लोग को रेडस्टोन, ये पॉकेट एडिशन के लिए ओनली, आप लोग को रेडस्टोन वगैरह लगाना होता है तो प्लैंक्स पे लग जाता है आराम से, स्टोन पे भी लग जाएगा किसी भी नॉर्मल पे. पर अगर हम लोग फर्नेस पे लगाना चाहें तो वो सीधा फर्नेस खुल जाएगा. ऐसे नहीं खुलता अगर डिस्पेंसर पे लगाना चाहें. जैसे ये डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर पे लगाना चाहें तो भी नहीं लगेगा. पर अगर आप लोग को लगाना तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्राउच करना पड़ता है. आप लोग को एक एरो दिख रहा होगा उस बटन में डबल टैप करते ही हम लोग अब क्राउच कर सकते हैं. एंड अगर अब क्राउच करके मैं अब फर्नेस निकाल रहा हूँ, पर अगर मैं रेडस्टोन अब फर्नेस पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये आराम से लग रहा है. तो ऐसे करके आप किसी भी ब्लॉक पे रेडस्टोन लगा सकते हैं. देखिए जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग किसी भी जगह पे माइनिंग वगैरह कर रहे हैं या आपको कोई अच्छी सी लूट मिल गई है और आप लोग को वो जगह का रास्ता याद नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास. आप लोग कुछ एक क्राफ्ट करना होगा लोडस्टोन. अब देखिए ये लोडस्टोन है और एक कंपास लेना है और लोडस्टोन लेके कंपास लेके सीधा उस पर क्लिक मार देना है. अब इसके बाद हमें एक मिलता है लोडस्टोन कंपास. अब ये जो लोडस्टोन कंपास है सिर्फ
लोडस्टोन की तरफ दिखाएगा कि आपका लोडस्टोन कहाँ है। देख सकते हैं आप लोग, मैं इस जगह से काफी दूर चल जाता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग काफी ज्यादा ही दूर आ गए हैं एंड ये आप कंपास यहाँ बताएगा वहाँ पे लोडस्टोन होना चाहिए। तो लेट्स सी अगर ये है कि नहीं, तो ये यहाँ पे बता रहा है। तो चलिए, अगर ये यहाँ पे हुआ तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा ये वाला नहीं है क्या? नहीं नहीं यही वाला है। तो गाइस इसने अपने लोडस्टोन को ढूंढ लिया है, तो ये रहा इसका लोडस्टोन गाइस। अगर आप लोग को ये कैसा लगा मुझे जरूर गाइस, इसमें से एक बड़ी आवाज अजीब सी आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है हमने, मैं बता नहीं सकता। अगर आप लोग को सुनाई दे रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस हमारा अगला टिप, हमारी अगली टिप्स एंड ट्रिक्स है, जैसे देखिए आप लोगों को, आप लोग कहीं से माइनिंग करके आ रहे हैं और आपके इन्वेंट्री फुल है और आपको वो खाली भी नहीं करना है वो सामान, तो आपको क्या करना है, आपको साथ होना चाहिए गधा। एंड अब इसको मैं ये हेबिल खिलाता हूँ, यानी कि इसको अपना फ्रेंड बनाता हूँ। अच्छा हेबिल नहीं खाते ना गधे, गधे सॉरी वो खाते हैं वीट। आप देखिए जब ये हमारा फ्रेंड बन जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या कर सकते हैं। अभी तो नहीं बना गाइस, कब बनेगा, कितना समय से गाइस, अगर अभी बन जाए जल्दी। तो गाइस अभी ये हमारा दोस्त बन चुका है, तो अब हम पहले इसमें सैडल बनाते हैं। एंड गाइस अब हम लोग थोड़ा सा उत्तर जाते हैं क्योंकि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ हम लोग क्या करें। तो देखिए गाइस हमें लेनी है चेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा अटैच चेस्ट, अटैच करते हैं चेस्ट, अब इस पर राइड करते हैं। अगर अब मैं इन्वेंट्री खोलता हूँ तो ये है मेरी इन्वेंट्री इस साइड की जहाँ पे अभी हेबल वगैरह रखी है, एंड ये है गधे के चेस्ट में जो इन्वेंट्री, देखिए मीन्स जितनी इसकी इन्वेंट्री है उसकी आधी हम लोग कह सकते हैं इन्वेंट्री अब गधे के चेस्ट में। तो आप लोग ऐसे अपना स्टोर करवा सकते हैं, ऐसे मैंने इसे स्टोर कर दिया एंड मैं अब दोबारा से बैठ के इसकी इन्वेंट्री से ये निकाल सकता हूँ। तो आपको ये वाला कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, तो बाय बाय एंड